इसकी आधिकारिक वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर अयोध्या महंत श्री गिरीश पति त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती भवानी सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजीव सिंह जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अयोध्या के उपस्थित बहनों और भाइयों, 22 जनवरी की तिथि भारत की श्रद्धा और आस्था को सम्मान देने की तिथि है। तब भारत के स्वाभिमान और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी एक पावन तिथि है। जब सब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान होकर के न केवल अयोध्या धाम में बल्कि प्रदेश और देश में राम राज्य की स्थापना का जो कार्य 2014 में प्रारंभ हुआ था, इसे मूर्त रूप प्रदान करते हुए यशस्वी भविष्य की कामना के साथ हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वाभाविक रूप से इस पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण तिथि को आने वाले श्रद्धालुओं, भक्तों, आस्थावान यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी अयोध्या सजधज रही है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को पहले ही किया है। क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में फोरलेन की सड़कें होंगी? आज आप अयोध्या में राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, इन सबको देखेंगे हर कोई अभिभूत होगा। मल्टी लेवल पार्किंग, गुप्तार घाट से लेकर के राम जी की पैड़ी और नए घाट तक के घाटों के निर्माण, सूरज कुंड, भरत कुंड, इन सब के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को देखेगा हर व्यक्ति अद्भुत हो जाएगा। उसी श्रृंखला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर अवस्थापना सुविधाओं के लिए अच्छे यात्री निवास, धर्मशालाओं का निर्माण, पर्यटन आवास गृहों का निर्माण, अच्छे होटल, टेंट सिटी, ये सब भी बन रही है या बन चुकी है। आने वाले यात्रियों को दिक्कत न हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहां पर प्रारंभ हो। टूरिस्ट डिजिटल मैप के माध्यम से कोई भी आने वाला व्यक्ति, कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के एक एक स्थल को देख सके, उसका अवलोकन कर सके, कहां जन्मभूमि में है, कहां हनुमानगढ़ी है, कहां कनक भवन है, कहां मणिराम दास की छावनी है, कहां पर दिगंबर अखाड़ा है, कहां पर बड़े भक्तमाल का आश्रम है, कहां पर कौन सा आश्रम है, कहां राम जी की पीढ़ी है, कहां गुप्तार घाट है, कहां बड़ी देवताली है, ये सभी अलग 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 स्थानों पर अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए वह व्यक्ति
अयोध्या को नजदीक से देख सके, निहार सके और इस पौराणिक और ऐतिहासिक हजारों वर्षों की परंपरा के प्रति श्रद्धावत हो सके। इस दृष्टि से इसके लॉन्चिंग के कार्यक्रम को भी यहाँ पर टूरिस्ट सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ यहाँ पर आज एक साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त भी है और इस अवसर पर आप सबको इसकी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी इसके लिए उनका अभी से अग्रिम अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। अयोध्या वासियों का हजारों वर्षों के बाद यह अवसर आता है जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ पर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इससे 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे देश और दुनिया अयोध्या के प्रति आतुर है। कब मौका मिलता है, कब प्रभु अपने धाम का दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। हम सब तो सौभाग्यशाली हैं यही रह करके और इस धाम को नजदीक से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी हुई है और इन स्थितियों में हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी ये कि सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है, एयरपोर्ट। आप सोचिए मौसम जैसा है अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए और अब इलेक्ट्रिक बसें जिनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं, अयोध्या को चमकाएगी, उनके रूट तय हो जाए। किस रूट से, किस क्षेत्र से कौन सा आएगा, कौन रेलवे स्टेशन जाएंगे और घूम करके कौन सा उसका रूट होगा, फिर रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी, फिर कौन एयरपोर्ट से आएगी, कौन किन किन होटल और धर्मशालाओं को कवर करेगी, कौन बस स्टेशन से आएगी, कौन टूरिस्ट चौक और टेंट सिटी से वहां पहुंचेगी, ये सभी उनके रूट तय कर देने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से अभी ये सेवा यहां पर शुभारंभ की जा रही है। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं लेकिन इसकी संख्या को बढ़ाकर के 500 तक पहुंचाएंगे जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे, वे भी इलेक्ट्रिक बसेस लेकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी, सूर्यवंश की राजधानी है तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट में केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा, भारत के संविधान की 9वीं आरे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट में केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं उन सब में आपको डिजिटल टूरिस्ट मैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूएन की जो 9 भाषाएं उनमें भी उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती है। ऐसे पुलिस से सहायता लेनी है, पुलिस के कौन कौन से इमरजेंसी कॉल है, कहां पे आपको कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है, कहां थाना है, कहां चौकी है, कहां पे फायर का है, कहां पर कौन सी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, इमरजेंसी कॉल करना है तो क्या होगा, पीआरबी 112 की क्या भूमिका है, 1090 की क्या भूमिका है, ये सभी आपस में इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसकी सुविधा
और यहाँ पे कौन अधिकारी कहाँ पे आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, ये सभी यहाँ पे पुलिस की जो यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट है इन सभी में यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों भाइयों, अयोध्या हमारे सप्तपुरियों में पहली पुरी है और अयोध्या आज हर व्यक्ति की इच्छा है। मैं भी एक बार अयोध्या धाम का दर्शन करूं, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की सेवा में हम सबको यहां पर अयोध्या धाम के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्म और जीवन को धन्य करने वाला इस अवसर से हम सबको किसी भी स्थिति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। अयोध्या को भव्यतम, भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी आए वह इससे प्रभावित होकर के जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज यहां पे जो बसेज इलेक्ट्रिक बसेज को ई ऑटो को यहां पे आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें और अभिवृद्धि करने और अच्छा करने, इनके रूप निर्धारित करने और इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। आज सुबह हमने यहां आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया, इसके साथ ही पूरे प्रदेश में अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करना। हर देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से अयोध्या धाम में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा, तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें। मेरी अपील होगी उन सभी से जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं, अयोध्या नव निर्माण के दौर से गुजर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल यहां का चेंज हुआ है और भी अभी चेंज कर होने की प्रक्रिया में है। जब जिसको यहां पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उस दौरान आए तो उनको भी असुविधा नहीं होगी और यहां व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। 22 के पहले कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा का है, व्यवस्था का है, दर्शन का है, इन सब में कठिनाई होगी। वहां भी काम लगा हुआ है, हर जगह लोग लगे हैं, तो स्तर पर पूरी टीमें लगी हुई हैं, वे सभी लोग इसके साथ जुड़े और जो कार्यक्रम दिया गया है घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ, राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रोग्राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे, जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें, जन्म और जीवन को धन्य करें और फिर जब अवसर मिलता है अयोध्या धाम आकर के प्रभु का दर्शन करें, हमें उनके स्वागत करने में प्रसन्नता होगी। और मैं इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास विभाग और नगर निगम अयोध्या को इलेक्ट्रिक बसेज लॉन्च के इन कार्यक्रम में
ई ऑटो को लॉन्च करने के इस कार्यक्रम में हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित उनके जो चालक और परिचालक दल के सदस्यों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। 22 के कार्यक्रम को भी हमें इस रूप में लेना है कि बसें जाएं, नंबरिंग दे दें उनमें, अलग अलग रूट के अलग अलग नंबर, और उनको सुनिश्चित करवाएं कि कौन किस बस से जाएगा, किस रूट पे जाएगा। अभी से इसकी प्लानिंग होनी है तो उसको तैयारी करने के लिए अभी से हम व्यवस्था कर लें। इस विश्वास के साथ मैं यहां पे टूरिस्ट विभाग को भी, नगर निगम को भी और अयोध्या के अपने सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या को सजाने संवारने में अपनी पूरी ताकत लगाई है और पूरी ऊर्जा के साथ प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए यहां के कार्मिकों की उत्साह को अभिवृद्धि करते हुए, अभिवर्धन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको मकर संक्रांति की मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय सीताराम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर पहुंचे हैं, सफाई अभियान में हिस्सा लिया और उसके बाद ई गाड़ियों की सौगात, ई वाहनों की सौगात दी है नगर निगम को, जो कि पूरे अयोध्या नगर की साफ सफाई का जिम्मा संभालेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले किस तरह की तैयारियां अयोध्या नगरी में चल रही हैं, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत भी करते रहते हैं और समय समय पर अयोध्या पहुंचकर खुद जो तैयारियां की जा रही हैं उसकी समीक्षा करते रहती हैं। आज भी अयोध्या पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सफाई अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया है। बीजेपी की तरफ से आज पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर। तो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मंदिरों में जाकर साफ सफाई की व्यवस्था देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वाहन है जिनको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया है। इन पर नगर की साफ सफाई की जिम्मेदारी होगी, नगर निगम को ये वाहन सौंपे गए हैं। इसके अलावा जो ऑटो टैक्सी अयोध्या नगरी में चलेंगी उनकी भी सौगात दी गई है। तो अयोध्या नगरी के विकास को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और कई सारी सौगातें भी दी गई हैं। लगातार प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही हैं।